नमस्कार जी, आज मैंने अपने युवा साथियों के साथ जो कंपनी JSW और भूमि कंपनी द्वारा जो मनमानी की जा रही है कुठेड़ में, उसको लेकर माननीय SDM महोदय को जो है वो अवगत कराया है। और उसमें दो चार विषय जो प्रमुखता से मैंने उठाए हैं, उसमें सबसे पहले जो अवैध वनों को मक के जीत नीचे जो कंपनी ने दबा दिया है, कई बार मैंने पहले भी आग्रह किया था, कई बार मैं लिख भी चुका हूं, लेकिन अब तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज मैं अपने युवा साथियों के साथ मैंने SDM के माध्यम से ये ज्ञापन दिया है कि जल्द जो है जो कटान इन्होंने किया, सैकड़ों पेड़ जो है वो मक के नीचे दबा दिए हैं, और खड़ामुख से लेकर बैराज साइड तक जगह जगह मक जो है वो गिराया है, और उस मक के कारण कई पेड़ जो है वो ढह गए हैं, कई पेड़ों का नुकसान हुआ है, वनों का नुकसान हुआ है, घासनियों का नुकसान हुआ है, चारागाहों का नुकसान हुआ है, जिससे हमारे पशुओं को चराने के लिए, हमारे भेड़ पालकों के लिए व अन्य जो प्रदूषण जो है वो उस तरह से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो वनों का जो है वो कंपनी कर रही है। इसलिए मैंने आज SDM महोदय को ये ज्ञापन दिया है और मैंने कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मैंने SHO थाना प्रभारी जो हमारे भरमौर के हैं, मैंने उनको भी FIR लॉन्च करने के लिए कहा है। मैं एप्लीकेशन भी वहां दे चुका हूं और मैंने ये आग्रह किया है कि कंपनी के ऊपर FIR दर्ज की जाए, और फॉरेस्ट विभाग को भी मैंने कहा है कि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई की जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, SDM महोदय भी इस पर कार्रवाई की। कंपनी ने उन कामगारों को ही हटाने का निर्णय ले लिया है, 6 महीने बिना कार्ड के काम करवाया, बिना सेफ्टी के काम करवाया, और अब जो है जब उन्होंने अपनी मांगे मनवानी चाहिए तो उन लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से और दूसरे बाहरी राज्यों से अपने रिश्तेदारों को, ये तृणमूल और ये पांडे अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे बैठा के रखे हुए लाहौल में, उनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। मैंने ये आग्रह किया कि ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं चलेगा, कंपनी अगर इस तरह की मनमानी करती है तो इनके खिलाफ जो आवाज है वो और तेज की जाएगी और एक बड़ा आंदोलन के खिलाफ किया जाएगा। तीसरा एक और विषय, खनी युवक मंडल के साथी हमारे साथ है, प्रधान अंकुश भाई हमारे साथ है, इनके साथ हमने जो खनी के लिए जो बस सेवा है, कई पिछले समय से बंद चल रही है सर्दियों के कारण, औरा तरेला और खनी के लिए जो बस सेवा है उसको लेकर भी मैंने ADM महोदय को, SDM महोदय के माध्यम से RM चंबा को लिखा है कि जल्द जो है इस बस सेवा को शुरू किया जाए, ताकि हमारे लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आने जाने वाले कार्य लोगों को, रोजमर्रा के कामों के लिए जो लोग भरमौर आते हैं उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। RM से भी मेरी सुबह बात हुई है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि जल्द ये बस सेवा शुरू की जाएगी। दूसरा एक और विषय जो मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुरोला के भवन का डंगा कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी और बारिश के कारण धस गया है, जिससे स्कूल के भवन को काफी खतरा हो गया है, और मैंने SDM महोदय के माध्यम से यह आग्रह किया है कि उस डंगे के काम को जल्द शुरू किया जाए, ताकि भवन के गिरने का खतरा जो है वो कम हो जाए और जो बच्चों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से वहां चल सके, भविष्य के लिए किसी प्रकार का वादियों के कारण। औरा तरेला और खनी के लिए जो बस सेवा है उसको लेकर भी मैंने ADM महोदय को, SDM महोदय के माध्यम से RM चंबा को लिखा है कि जल्द जो है इस बस सेवा को शुरू किया जाए, ताकि हमारे लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आने जाने वाले कार्य लोगों को, रोजमर्रा के कामों के लिए जो लोग भरमौर आते हैं उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। RM से भी मेरी सुबह बात हुई है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि जल्द ये बस सेवा शुरू की जाएगी। दूसरा एक और विषय जो मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुरोला के भवन का डंगा कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी और बारिश के कारण धस गया है, जिससे स्कूल के भवन को काफी खतरा हो गया है, और मैंने SDM महोदय के माध्यम से यह आग्रह किया है कि उस डंगे के काम को जल्द शुरू किया जाए, ताकि भवन के गिरने का खतरा जो है वो कम हो जाए और जो बच्चों की पढ़ाई जो सुचारू रूप से वहां चल सके, भविष्य के लिए किसी प्रकार का वहां खतरा ना हो। तो ये विषय जो है वो आज मैंने जो है वो SDM महोदय के समक्ष जो रखे हैं और मैं आशा करता हूं कि इस पर जो है वो जल्द जो है वो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बाकी कंपनी के ऊपर हमारा रुख बहुत कड़ा है, क्योंकि कंपनी जिस तरह की मनमानी यहां पे कर रही है उस वो मनमानी यहां नहीं चलने दी जाएगी। मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये मैं आग्रह करता हूं कि आप विश्वास रखिए, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं, हम वंचितों के साथ हैं, हम शोषण जिनका शोषण हो रहा है हम उनके साथ हैं, इसलिए हम हमेशा उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं। किसी तरह की मनमानी ना कंपनी को करने दी जाएगी, ना किसी अन्य जो है अधिकारियों को करने दी जाएगी। लोगों के कार्य को लेकर हम हमेशा जो आंदोलन हमें करना पड़ेगा उसको लेकर हम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो भरमौर भी इस पर कार्रवाई करेंगे और थाना प्रभारी भरमौर भी इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि और मैंने जो FIR है वो कंपनी के जो ज्ञान भद्रा जो इसका पूरा प्रबंध देखते हैं, दूसरा संजीव महाजन
और तीसरा हमारे सर्वानंद पांडे त्रिमूले, ऐसे मैंने लोगों पर FIR करने के जो है वो आग्रह किया है, क्योंकि इन्हीं के आदेशों से कंपनी ने मनमानियां की है, इन्हीं के आदेशों से हमारे वनों को जो है वो दबाया गया है और मक्के नीचे सैकड़ों पेड़ दबाए गए हैं। और जब इसकी जांच होगी, जब इसके तथ्य सामने आएंगे, तो आप सब लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि कितने करोड़ों का हमारा नुकसान लोगों ने किया है। दूसरा, उस जगह जिस जगह आज ये वर्कशॉप बना के बैठे हैं, मैंने तुरंत उसको हटाने के निर्देश दिए हैं और आग्रह किया है महोदय से कि जिस जगह इन्होंने वर्कशॉप बनाई है वहां पे पार्किंग के लिए पिछले साल माननीय विधायक जी ने शिलान्यास किया था, और वो कहां है पार्किंग। इसलिए मैंने आग्रह किया कि जल्द से जल्द वहां की उनकी अव्यवस्था को हटाया जाए, वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा, और भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैंने आज SDM महोदय से आग्रह किया है, जिसमें मुख्य रूप से एक तो हमारे मैट की साइड में, पावर हाउस की साइड में जो हमारे 62 स्थानीय कामगार काम कर रहे थे, पिछले कई महीनों से ये वो काम कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ना उनको वेतन ठीक मिल रहा है, ना उनको सुरक्षा के कोई सेफ्टी के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, ना उनको समय पर जो है वो और सुविधाएं दी जा रही हैं, और ना इन इतना तो ठीक है, इसके बावजूद कार्ड तक उनको नहीं दिया गया है। ऐसी वैसी मिस हैपनिंग टनल के अंदर उनको हो जाए, कौन जिम्मेवारी लेगा। इस करके कुछ दिन पहले उन कामगारों ने हड़ताल की थी, लेकिन कंपनी का रवैया देखिए।